वेलकम टू बी एस सी लाइव क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बी एस सी अकेडमी गुवाहाटी। इन दिस वीडियो आई विल ब्रिंग टू यू सम ऑफ द कंसेप्ट एंड ब्यूटिफुल ट्रिक्स ऑफ कैलेंडर। ठीक है, आज हम लोग रीजनिंग के कैलेंडर टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये वीडियो आपका बायलैंग्वल होगा, दैट इज बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। और चैनल के माध्यम से जो भी पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन, दैट इज कैलेंडर। सबसे पहले मैं डिस्कशन ये करना चाहता हूँ, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर मीन्स सिंपली दैट इट इज कॉल्ड रिपीटेशन रिपीटेशन ऑफ 7 डेज। ओके, रिपीटेशन ऑफ 7 डेज। जैसे कि सिंपली सोचिए दैट टुडे इज फ्राइडे, फिर से नेक्स्ट वीक में फ्राइडे आ जाएगा। ठीक है, दैट इज 7 डेज। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज जो भी आपके लीप ईयर होते हैं, ठीक है, जो भी आपके लीप ईयर होते हैं, दैट इज द ईयर विच इज डिविजिबल बाई 4, उसकी हमेशा 366 डेज होते हैं और इसका बेस हमेशा दोस्तों 7 होगा। तो इसको आप सिंपली अगर 7 से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा आपका 7 5 टाइम्स और ये 7 2 टाइम्स, दैट मीन्स 2 और डेज। ओके, जब भी आपका लीप ईयर होगा तो 2 और डेज होंगे, और जब भी आपका नॉर्मल ईयर होगा देन इन दिस केस देयर डेज विल बी 365 डिवाइडेड बाई 7, दैट इज हाउ मच, दैट इज 1 और डेज। ठीक है, तो ये पॉइंट आप बिल्कुल भी आपको ध्यान में रखना होगा, 2 और डेज और 1 और डेज। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इफ टुडे इज फ्राइडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 363 डेज। दैट मीन्स अगर टुडे, इफ टुडे इज फ्राइडे, इफ टुडे इज फ्राइडे दैट मीन्स 363 डेज। इसको सिंपली क्या करेंगे, बेस 7 से आप डिवाइड करेंगे। दिस इज गॉन 5 टाइम्स, दिस इज गॉन 1 टाइम्स, दैट मीन्स हाउ मच, दैट इज 6 और डेज। ठीक है, 6 और डेज आ रहा है, दैट मीन्स ये फ्राइडे है दोस्तों, तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। इफ दिस इज फ्राइडे दैट मीन्स सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, दैट मीन्स ऑप्शन सी थर्सडे इज द राइट आंसर। चलिए अब मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। बेसिक थिंग्स ये है, आपको ये याद रखना होगा, नॉर्मल ईयर में आपका 1 और डेज होते हैं और लीप ईयर में 2 और डेज। इफ द डे आफ्टर 11th मार्च इज थर्सडे, अगर 11th मार्च को थर्सडे है देन व्हाट विल द डे ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। दैट मीन्स यू कैन से दैट मार्च में कितने सारे हम लोग का डेज होते हैं, दैट इज 31st। तो डेफिनेटली अगर इसमें मैं 7 को ऐड कर दूं तो 18 मार्च को भी तो आपका थर्सडे ही होगा। सिमिलरली अगर मैं 7 और ऐड कर दूं दैट मीन्स 25th मार्च को भी क्या होगा आपका, 25th मार्च को भी आपका थर्सडे ही होगा। रिमेनिंग 31 माइनस 25 दैट इज 6 और डेज। ठीक है, दैट इज 6 और डेज, दैट मीन्स अगर आज थर्सडे है तो अगेन थर्सडे, दैट मीन्स फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, दैट मीन्स वेडनेसडे इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, और मैक्सिमम रिपीट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए, रिपब्लिक डे दैट इज 26 जैन, वी नो दैट 26 जैन 2017 इज व्हाट, दिस इज थर्सडे। ये आपको एक लैंग्वेज के फॉर्म में गिवन है, दैट इज रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया वॉज सेलिब्रेटेड ऑन थर्सडे इन 2017, ऑन विच डे इट वॉज सेलिब्रेटेड इन 2021। नाउ फ्रॉम 2017 टू 18 क्या इसमें कोई लीप ईयर आ रहा है, नहीं, दैट मीन्स 1 और डेज। नाउ फ्रॉम 18 टू 19 देर इज ओनली 1 और डेज। नाउ फ्रॉम 2020 इज माई लीप ईयर, दैट मीन्स 2 और डेज हो जाएंगे, और
2020 टू 2021 देर इज वन ऑड डेज, दैट मीन्स 1 1 2 टू 4 1 1 5, दैट मीन्स अगेन दिस इज थर्सडे, तो इसके साथ में 5 ऑड डेज हो जाएंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे एंड ट्यूजडे. ओके, सो द आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी ट्यूजडे. इसको रिवीजन कीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए चलिए और अपने फ्रेंड सर्कल में मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट सभी का सभी ले सकें. ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम में. आपको रिसेंटली जितने भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल का एसएससी सीजीएल का जितने भी एडवांस लेवल में आ रहे हैं क्वेश्चन, डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा. ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखें. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 13th मार्च. अगेन दैट इज 13th मार्च 2018 इज व्हाट? इज ट्यूजडे. सो बताइए सेम डेट में 13 मार्च को 2021 में कौन सा डेट होगा? ठीक है, चलिए दिस यू हैव टू फाइंड आउट. सिमिलरली 2018 टू 2019, क्या इसमें से कोई लीप ईयर है? नहीं, नॉर्मल ईयर है, दैट मीन्स वन ऑड डेज, वन ऑड डेज. सिमिलरली 19 टू 20, हाउ मेनी ऑड डेज आर? अगेन वन ऑड डेज. सॉरी, 19 टू 20 में आपके लीप ईयर आ रहे हैं, दैट मीन्स टू ऑड डेज. 20 टू 21 दैट इज वन ऑड डेज. ओके, वन ऑड डेज, दैट मीन्स 1 प्लस 2 3 एंड 1 इज 4. टोटल आपके 4 ऑड डेज आ रहे हैं, दैट इज 4 ऑड डेज. दैट मीन्स अगर ट्यूजडे है दोस्तों, अगर ये ट्यूजडे है, दैट मीन्स 4, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे. ओके, दिस इज व्हाट? दिस इज सैटरडे, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. तो ये थे कुछ वीडियो, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको रिलेवेंट कौन सा अपकमिंग एग्जाम के लिए वीडियो चाहिए, मैं उसी में वीडियो बना दूंगा. और जितना हो सके मैक्सिमम लाइक कीजिए, इससे एक लेवल का मोटिवेशन मिलता है और ये सबसे बेस्ट टाइम है आपका प्रिपरेशन का, बिकॉज बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम है. हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, 3 चीज़ें जब भी लाइफ में चली जाती हैं वो वापस नहीं आती है. एक होता है आपका समय, एक होता है सम्मान, और एक होता है विश्वास. ये 3 चीज़ हमेशा आपको पकड़ बना कर रखना होगा, क्योंकि बदल जाइए वक्त के साथ, वक्त बदलना सीख जाइए. मजबूरियों को कोसने से कुछ नहीं होगा, हर हाल में चलना सीख जाइए दोस्तों. ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देख लीजिए और दोबारा और एक बार आप देखिए. ठीक है, और मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि 3 चीज़ें लाइफ में हमेशा आपको कम बैक करने की मौका बार बार नहीं देगी. तो ये बेस्ट पीरियड है आपका, प्रॉपर टाइम को यूटिलाइज कीजिए और जल्द से जल्द एग्जाम को क्रैक कीजिए. और अगर आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं विथ न्यू ट्रिक्स और सारे सिलेबस कंप्लीट अच्छे से लाइन बाय लाइन डिटेलिंग्स भी पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर यहाँ पे एड्रेस में जाके आप ऑनलाइन मोड के थ्रू भी एडमिशन्स एनरोल कर सकते हैं. एवरी 15 डेज में और एवरी वीक में न्यू बैचेस फॉर्म हो रही है, तो ये अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रैब कीजिए. थैंक यू एवरीवन.